Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. चौधरी निसार साहब ने आज जो फ्लोर ऑफ द हाउस में स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने बिल्कुल खुल के बता दिया जनाब के डिप्लोमेटिक फेलियर क्या हो रहा है, डिप्लोमेसी कितनी बुरी तरीके से फेल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और जिस चीज़ की वो निशानदेही कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ट्रंप भी इस बात का जिक्र कर चुके थे कि जनाब जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एरियाज़ हैं जिनको जनाब टारगेट किया जा सकता है, उस पर ड्रोन हमले हो सकते हैं। सो इसमें मेरे ख्याल में कोई नोबडी शुड बी टेकन बाय सरप्राइज कि जनाब अगर ड्रोन हमला हो गया 15 तारीख को तो इसमें मेरे ख्याल में किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को वॉर्न कर चुकी थी। सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी ना तो पढ़ाई जाती है किसी इंस्टीट्यूशन में, और जहाँ अगर आप उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इंडिया में डिप्लोमेट्स जो हैं व्हेन दे सिट अक्रॉस द टेबल तो वो जनाब बड़े अच्छे तरीके से अगले बंदे को अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं, मुद्दा बयान करने के साथ साथ वो कन्विंस भी कर लेते हैं अगली पार्टी को कि जनाब उनका इशू क्या है, वो आराम से हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना तो किसी इंस्टीट्यूशन में डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है ना सिखाई जाती है, और जितने डिप्लोमेट्स यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी मुल्क में चाहे वो हों, 90% ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ यहाँ पे प्रोटोकॉल ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल ड्यूटियाँ ये कर रहे होते हैं कि जनाब अगर कोई मिनिस्टर आ गया पाकिस्तान से या प्राइम मिनिस्टर आ गए या कोई और आ गया तो उनको बड़े अच्छा खुश रखना चाहिए, उनको वो खुश रखते हैं उनको, और उनकी जितनी खिदमत हो सकती है वो करने की कोशिश करते हैं। सो चौधरी निसार साहब जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है जनाब के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो डिप्लोमेसी है उसका फेलियर है। और वेरी नेक्स्ट डे आप देखते हैं जनाब के प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो अमेरिकन एम्बेसडर से भी मिल रहे होते हैं, ड्रोन हमला होता है और वेरी नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे होते हैं जनाब अमेरिकन एम्बेसडर से। अमेरिकन एम्बेसडर से उन्होंने कोई इस किस्म की बात की या नहीं की? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ऑलरेडी कह चुके हैं जब उनके पास आया था डेलीगेशन, अमेरिकन डेलीगेशन मिलने के लिए जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा था जनाब कि आप हमें पिन पॉइंट कर दें जगह जितनी भी पाकिस्तान में आप समझते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ पे कोई आप समझते हैं कि दोज आर लाइक रेड एरिया जिनको आपने रेड मार्क किया हुआ है तो हम वहाँ पे खुद स्ट्राइक्स कर देते हैं, या आप हमारे साथ चलें हमें बता दें हम उनके साथ उधर जाके स्ट्राइक्स कर देते हैं। लेकिन ये इशू ख़त्म नहीं हुआ और जो उन्होंने करना था सोल सुपर पावर ने वो किया। इस पर मैं आपको एक जो आज तकरीर हुई जो निसार की वो भी सुनाऊँगा, लेकिन दूसरी चीज जो है वो भी मैं आपके सामने रख दूं क्योंकि मैं दो तीन चीजें आपके साथ लेके चलना चाहता हूं आज। दूसरा जो अहम मसला ये है कि नबील गबोल साहब, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि बड़े अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, इज फुल ऑफ ह्यूमर और किसी से नाराज नहीं होते, मुझे तो लगता है घर में भी अपनी बीवियों से भी नाराज नहीं होते वो, लेकिन वो किसी जगह पे कभी मैंने उनको नाराज होते हुए देखा नहीं है। इज़ अ गुड फ्रेंड और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आज क्या हुआ उनको अचानक कि वो फ्लेयर अप हो गए? सो उसमें भी मैं बात करना चाहूँगा, और वो क्या बात होगी मैं नबील गबोल साहब को खुद आपके सामने रख लूँगा, उनका आपके सामने पेश कर दूंगा मैं, इस लेट मी पुट इट दिस वे, और आप खुद भी उनसे अगर पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। तीसरी बात यह है कि जो तीसरा पॉइंट जो है वो बड़ा एक एक्सक्लूसिव सी स्टोरी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि पहले मैं चाहता ये था कि आपको ना बताऊँ, इंट्रो में ना बताऊँ और एंड में जाके बता दूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आपको अभी बता देता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन जो है उनको मोहब्बत जाग उठी है मियाँ बरादरान से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और वो मोहब्बत क्या जागी है उनकी क्योंकि लंदन में दोनों मौजूद हैं और वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अल्ताफ हुसैन जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कोई उनकी कोई तरीका वारदात होती है उसमें कोई ना कोई पीछे राज ज़रूर होता है। वो राज क्या है? क्योंकि आज उन्होंने एक गुलदस्ता भेजा और गुलदस्ते के साथ एक गेट वेल सून का कार्ड भी भेजा उन्होंने, और वो कुलसूम नवाज साहिबा के लिए था, और कुलसूम नवाज साहिबा को उन्होंने कहा जनाब के हम चाहते ही हैं कि आप जल्दी से सेहतयाब हो जाए। एक अच्छा जेस्चर था जिसको बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके पीछे पूरी एक कहानी होगी। वो कहानी क्या है
वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने रखूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पे एक्टिव थे और उनमें से एक शख्स ऐसा भी है जो वहां पे एक्टिव था, एक्टिव है, और शायद उसको इंडिया का एम्बेसडर पाकिस्तान में लगा दिया जाए आइंदा आने वाले दिनों में, या वो किसी भी वक्त लग सकते हैं। उनका रोल क्या रहा है उस इंडिया के एम्बेसडर का जो पाकिस्तान में डिप्यूट किए जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले चौधरी निसार साहब का एक क्लिप दिखा दूं आपको, फिर उसके बाद मैं उस पर कॉमेंट्स लेना चाहूंगा। पहले जरा चौधरी निसार साहब का क्लिप दिखाई मुझे। ड्रोन अटैक्स नाकाबले कबूल है, ये पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी पर के लिए एक चैलेंज है और एक बहुत बड़ा निशाना है हमारी आजादी और मुख्तारी। 15 तारीख को एक ड्रोन हमला हुआ, हमने एक रवायती कंडेमनेशन भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई। ये शायद नजरअंदाज हो गया हूं कि जिस दिन हमला हुआ उससे दूसरे दिन वजीर आजम पाकिस्तान अमेरिका के सफीर से मिले। सिफारतकारी कोई ऑफ एंड ऑन नहीं होती, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग पे सिफारतकारी नहीं होती, इट्स अ 24-आवर जॉब। हमारे सिफारतकार किस मर्ज की दवा है कि वो पाकिस्तान की इज्जत नफ्स, पाकिस्तान के मफाद का तहफ्फुज नहीं कर सकते। ब्रिक्स की आखिरी मीटिंग हिंदुस्तान में हुई और मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इसी किस्म की रेजोल्यूशन पास कराने में, और इस रेजोल्यूशन के पास कराने में सबसे बुनियादी किरदार चीन ने अदा किया और उनके साथ बाकी ब्राजील, साउथ अफ्रीका वो भी शामिल थे। ये आपने सुना जी चौधरी निसार साहब को, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि डिप्लोमेसी जो है उसका फेलियर है, और डिप्लोमेसी जैसे मैं पहले कहा पढ़ाई नहीं जा सकती, पढ़ाना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो इसी किस्म के प्रॉब्लम्स हमें फेस होते रहेंगे, और जितने डिप्लोमेट्स डिप्यूटेड हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में रहेंगे कि जनाब किस तरीके से मिनिस्टर्स को या प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत के जो अराकीन वहाँ पर जाते हैं मुस्लिम मुख्तलिफ ममालिक में, उनको कैसे खुश रखा जा सकता है। अब हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हो, पीएचडी हो, और उनसे अच्छा पीएचडी किया हुआ या उनसे अच्छा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और वो एक अच्छे डिप्लोमेट भी साबित हो सकते हैं अगर उनको एक चांस मिले, एक फेयर चांस मिले उनको, और उनके पीछे पॉलिटिशियंस ना खड़े हो, बल्कि एक उनको अपनी जो जहानत है या उनके पास जो अपना सरमाया है इल्म का, उसको इस्तेमाल करते हुए वो अगर आगे बढ़ाए जाए, उनको एक चांस दिया जाए और मुश्किल से मुश्किल मुल्क में दिया जाए, तो वो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि अगर वो उनको एक चांस मिलेगा तो प्रूफ भी कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट साबित हो सकते हैं, पीएचडी भी है, और पीएचडी भी है कई लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे, और पढ़ाते भी हैं कई लोग ऐसे यहाँ पे जिनको पूरी अवेयरनेस है, एंड दे कैन यूज देयर ग्रे एज वेल। लेकिन अगर उनको इस्तेमाल किया जाए, पॉलिटिशियन उनको इस्तेमाल करना चाहें, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादती हो जाएगी उनके अंदर जो सब कुछ है उसको, हाउ शुड आई पुट इट, कि जो उनके अंदर जो जिस तरीके से वो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली किसी भी फ्रंट पे जाके, उनके लिए आसानी होगी और वो अपना वहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट भी निकाल के सामने देंगे। सज्जाद मीर साहब एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं चाहूँगा उनसे कुछ इनपुट लेने की, और इनपुट में लेना चाहता हूँ चौधरी निसार साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर। मेरे सीनियर भी रह चुके हैं सज्जाद मीर साहब की, मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ। सज्जाद मीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हेलो सज्जाद मीर साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सज्जाद मीर साहब, जो चौधरी निसार साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बात की, वो बिल्कुल इस चीज़ की इंडिकेशन करती है कि डिप्लोमेट्स जो हैं या डिप्लोमेसी जो है हमारी पाकिस्तान की, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। मैं इसको जाविये नहीं लेना चाहता इसके, लेकिन मुझे जो समझ आई है बात, और बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डिप्लोमेसी हमारी जो है उसका टोटल फेलियर है। आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है जी। मैं आज ही ये एक बात कह रहा था कि कोई 15-20 साल पहले जब शहरयार खान हमारे वो सेक्टरी खारजा थे, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि जो लोग अब आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो भी
आप करता है वो फॉरेन सर्विस नहीं करता, सिविल सर्विस नहीं करता, बल्कि कस्टम या इनकम टैक्स करता है। तो जो लॉट आपके पास आती है, आप उनकी उनके बारे में क्या राय है? तो उन्होंने कहा मैं तो सोच के काम उठता हूँ, इस साल 12 लोग जो आए हैं, जब वो मामलात के इंचार्ज होंगे तो मुल्क की खाजिया पॉलिसी का क्या बनेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जमाने में हमारे डिप्लोमेट दुनिया में मशहूर थे। दुनिया में जहां कहीं ड्राफ्टिंग होना होती थी, कोई काम हुआ था होता था सफारतकारी का, तो हमारे सफारतकारों के नाम आते थे, आगा शाही थे, आगा अलाली थे, एस के देल भी थे, लंबी लिस्ट थी। हमारे गुजरा खारजा भी बड़े नाम पर हुए हैं, हमारे मंदूब भी जो यूएनओ में होते थे उनकी तकरीरें शोरा पाप हुआ करती थी, लेकिन वो जमाना लग गया। अब वो सूरत हाल नहीं है। नतीजा ये है कि देखिए असल बात यह है कि आप दुरुस्त कह रहे थे कि इस वक्त दफ्तर खारजा नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल सही, हमने उसको बनाया ही नहीं है। और ये भी कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि खारजा पॉलिसी दफ्तर खारजा में बनती ही नहीं है। जब आपकी खारजा पॉलिसी वहां नहीं बनेगी, आपने कोई थिंक टैंक नहीं बनाए होंगे, आपका बेस्ट माइंड उस तरफ नहीं जा रहा होगा और आपने चेंज का भी लाने की कोशिश नहीं की होगी, तो उसके नतीजे के तौर पर यकीनी तौर पर आपको फेलियर का इंटरनेशनल सतह पर सामना करना पड़ेगा, जो आजकल हम कर रहे हैं। हम एक तरफ से ट्रंप की तरफ से दबाव है, दूसरी तरफ से ब्रिक्स की तरफ से भी हमें आ जाता है कि आपके यहाँ ये दहशतगर्द लोग मौजूद हैं, तीसरी तरफ हमारे यहाँ खुद कहा जाता है कि हाउस ही नागर किया जाए, चौथी तरफ सार कहते हैं कि ये कह के हम दुनिया में अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है और जितना दबाव इस वक्त पाकिस्तान पर है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी से भी ज्यादा हमारा डिप्लोमेटिक सतह। एग्जैक्टली, अगर हम डिप्लोमेटिकली खुद को सर्वाइव कर पाए तो ये यकीन कीजिए पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा, लेकिन अगर हमने डिप्लोमेसी में मार खा ली तो हमारे लिए बड़े ही खदशात हैं जो तारफ तरफ से हम पर मुंडला रहे हैं। सज्जाद, मेरे ख्याल में मैं एक तो आपकी ये बात कहना गलत नहीं है। वैसे लाइटर मूड में कहना तो चलूं कि शुरू से इस बात के ख्वाहिशमंद है कि उन्हें वजारत खारजा दे दी जाए, बहुत पहले से दाखिला दी गई। अच्छा, तब भी वो ये चाहते थे। और तौर पर लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरफ आऊंगा, डोंट यू थिंक हमारे मुल्क में क्राइटेरिया जरा डिफरेंट हो गया है और यहाँ पे जितने लोग हैं जिनको डिप्यूट किया जाता है उनकी लॉयल्टीज देखी जाती हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, किस लीडर के साथ है, फिर उनको एम्बेसडर लगाया जाता है या कोई और ओहदा दिया जाता है किसी न किसी एम्बेसी में। सो इससे सारा डिप्लोमेटिक फेलियर हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो बात आपने कही कि जो फॉरन पॉलिसी है वो फॉरन ऑफिस में नहीं बनाई जाती, फॉरेन ऑफिस में अगर इसी किस्म के लोग होंगे तो अगर फॉरेन पॉलिसी भी वहीं पे बनाई जाए तो मेरे ख्याल में वो ज्यादती नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक नया इशू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनको नहीं, नहीं, ये बात और वो जो लॉट्स थी सज्जाद मीर साहब, वो जो लॉट्स थी जो जिनका आपने जिक्र किया, जिनका आपने तस्करा किया, जिनको आपने इंडिकेट किया, वो लॉट खत्म हो गई डिप्लोमेट्स की, वो बेचारे फौत हो गए या नहीं रहे, रिटायर हो गए, वो डिप्लोमेट्स रहे ही नहीं। आप जी ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे वो जो अजीम डिप्लोमेट थे वो बाकी नहीं रहे जी। बाकी जो है सफारतकारी में भी ये होता है, हमारे कुलीग्स भी जाते हैं जो और इस काम के लिए वहाँ काम करते हैं, हम देखते हैं कि बेसिकली अपनी पूरी जहानत के बावजूद, जैसा कि आप कह रहे थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की ट्रेनिंग, डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग नहीं ली। हमारे इंस्टीट्यूशन में सज्जाद मीर साहब को पढ़ाई नहीं जाती फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई नहीं जाती, इसकी तरबियत नहीं की जाती, ये एक माइंड सेट का नाम भी होता है जिसको तैयार नहीं किया जाता। एक अच्छा सफारतकार एक दिन में तैयार नहीं होता, और सिर्फ यही नहीं है कि आप उसको पढ़ाकर तैयार कर देंगे, बल्कि उसको इतना मोस्टली अपॉइंटमेंट करके उसको इतना वो मन जाता है क्योंकि वो हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। आप दुरुस्त कहते हैं कि वो तो प्रोटोकॉल के लिए रखे हुए हमने लोग जाते हैं, लोगों की शॉपिंग कराते हैं, उनको सैरें कराते हैं, गाड़ी शाड़ी दे दी, शॉपिंग करा दी, उनका ख्याल रखा, होटल में कमरे समरे ले दिए, बस इस तरह के काम चलते रहते हैं जी वहाँ पे। एक आखिरी चीज सज्जाद मीर साहब, हमारे इक्तिसादी मामला से ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुल्क के लिए सबसे अहम मसला है। अगर हमने डिप्लोमेटिक सतह पर पता हासिल कर ली तो हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी, सियासत भी ठीक हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सज्जाद मीर साहब, इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं,
and they know how to talk, they know how to put across their whatever they have in their mind, ya unka mulk ka jo issue hai wo agle bande ko samjhane ke liye wo kar sakte hain, koshish bhi kar sakte hain aur kamyab bhi ho sakte hain. Lekin sirf masla yahan pe ye hai ki sare politicians jo hain वो यहाँ पे मेजॉरिटी, सबकी तो बात नहीं करूंगा, मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस जो है वो इस चक्कर में रहते हैं कि जनाब उनका कोई लॉयल मिल जाए, उनको उनका कोई ख्याल रखने वाला मिल जाए, उनको उनका कोई ऐसा उनके पीछे दुम हिला के फिरता रहे. आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज बट देन अगेन वो उनके बिल्कुल ताबेदार रहे, रेड कारपेट बन जाए उनके सामने. इस किस्म के लोग उन्हें चाहिए, इस किस्म के लोग अगर चाहिए होंगे तो फिर तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, फिर मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी नहीं हो सकता. बिल्कुल सही बात है. हमने अपने दफ्तर खारजा को, अपने सफीरों को सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए रखा हुआ है. जी जी बिल्कुल. तो पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते बल्कि उन लोगों की खिदमत करते हैं जी. जिन लोगों ने उनकी अपॉइंटमेंट वहां कराई होती है या जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती जी, है. यकीनन जब तक ये रवैया नहीं बदलेगा हम अपने मसाइल हल नहीं कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच सज्जाद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी इनपुट दी. और एक और चीज, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूंगा जी, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूंगा. नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, नबील गबोल साहब फुल ऑफ वेट ह्यूमर, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया मेरे ख्याल में उनके घर में अपनी बीवी से भी बीवियों से भी कभी लड़ाई होती होगी. क्यों आज इतना फ्लेयर अप हो गए, क्या हो गया उनको, क्या जिन चढ़ गए उन पर, क्या हुआ मुझे नहीं समझ आई. मैंने इसीलिए उनको बुलाया है, स्टूडियो में होंगे और अगर आप कॉल करके उनसे बात करना चाहें ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आई नो हिम सिंस लाइक एजेस और मुझे नहीं समझ आई आज क्या हुआ, वो पूछेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद. ब्रेक को थोड़ी सी लंबी होगी, मैं माजरत चाहता हूँ उस चीज़ की, लेकिन देन अगेन ब्रेक नहीं होगी, कमर्शियल नहीं चलेंगे तो फिर चैनल कैसे चलेगा, ये भी बड़ा एक मसला है ना. खैर एनीवेज बर्दाश्त किया आपने, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जिक्र किया था कि नबील गबोल साहब मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप उनको कॉल करना चाहें, उनसे पूछना चाहें कि नबील गबोल साहब क्या हो गया आज आपको, क्यों आप नाराज़ हो गए, हंस रहे हैं मेरे पास बैठे हुए, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और बहुत तेज गाड़ी चला के आ जाए मेरे पास, ये पता नहीं लेट भी पहुंचा. हाँ लेट भी पहुंचे, लेकिन गुस्सा किस चीज का था यार. देखो तुम, आप लोग को जो है ना मीडिया वालों को एहसास नहीं होता इंसान का. आप लोग समझते हो हम लोग सब जितने भी पॉलिटिशियन है ना, हम लोग रोबोट्स हैं. हम लोग के भी सीने में दिल होता है, हमारी भी घर में लड़ाइयाँ होती हैं. हम घर से जब लड़कर आते हैं फिर आप लोग बोलते हैं अच्छा आप बताएं आपने ये ऐसा क्यों किया, अच्छा आप बताएं आपने जो है करप्शन किया. ओ भाई घर में मार खाकर आ रहे हैं, सवाल आपका तो गालियां तो मैं आपको दूंगा ना अगर आप इस तरह की बात करोगे. अच्छा घर में मार खाई थी. एक बात है ना, आदमी घर से टेंशन में निकलता है ठीक है ना. तो आज तो एक मकसद बस मैं समझता हूँ कि सुलह हो गई. मीडिया के एक बच्चा है एक अपना, वो उसने उसको खुद समझ नहीं आया कि मीडिया के जो लोग हैं ना वो किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि आप तलवे चाट कर आज दोबारा पीपल्स पार्टी में आए हैं. तो अगर कोई मीडिया का शख्स अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे कि आप तलवे चाटते हुए दोबारा पीपल्स पार्टी में आएंगे तो फिर वो जवाब भी फिर ऐसे ही सुनेगा, खासकर आप घर से टेंशन में आए हो. और अगर आप भी इस तरह की कोई अभी भी टेंशन में मैं आया हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपको अभी क्या टेंशन होगी, टेंशन भी उतारनी थी उतार दी आपने. नबील साहब आपने बुलाया, आपने 20 मिनट पता नहीं किसी एक हमारे कौन था ये मीर शीर आपका उस्ताद कैसा होगा. कहते ना जिस शख्स के इलाके का मौलवी की हरकतें खराब हो तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्स खुद कैसे होगा. तो मैं इसलिए टेंशन में आया हूँ, तो मेरे से वो सवाल करो सियासी जो मैं जवाब दूं. आज का मामला जो है वो सेटल हो गया. मीडिया हाउस कुछ है जो मीडिया पार्टी घर का मामला भी सेटल हो गया कि नहीं, वो हिसाब से सवाल करूं ना, उस पर आप छोड़ दे, छोड़ दो, जिंदगी बर्बाद है, बर्बाद है जिंदगी, बर्बाद है छोड़ दे. दूसरी बात करें, सियासत पे आए ना, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है घर में आपकी. नहीं मतलब देखो टेंशन चलती रहती है तो अभी मुझे बता तुमने शादी क्यों नहीं की. एक बात है तुमने इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हें पता है कि शादी बर्बादी है ना, तुमने इसलिए शादी नहीं की. मेरे से भी 5 साल बड़े हो तुम यार, क्या अच्छा बात ये कर बात आप सियासत. अच्छा मैं एक कॉल ले लूं, मैंने शादी की हुई है और मैं आपसे मैं चैलेंज करता हूँ आप बीवी भाभी को कहीं पे आप यार छोड़ो. बीवी घर की जीनत होती है, घर में नहीं है आपकी बीवी. खैर
हाँ घर बाहर मुल्क में है, नहीं घर में नहीं है, बाहर मुल्क में भी नहीं है, इसी शहर में है, लेकिन एनीवेज इस वक्त मैं एक कॉल ले लूं कि ना लूं? हाँ आप ले लो, ले लो, आपके लिए कॉल आई है। जी कॉल कौन है, कौन साहब है जी? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भाई, स्टूडियो के अंदर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी ड्रॉप हो गई है, दूसरा ले स्टूडियो ले के अंदर, दूसरी कॉल ले लें जी, और कॉल ले लें, नबील साहब से बात करें। आज मैं मूड में हूँ। हाँ नबील साहब मूड में, घर से लड़के आए हैं, अभी तक कोई मामला सेटल नहीं हुआ घर में, लेकिन नबील साहब मूड में। अच्छा मुझे एक बात बताएं थोड़ी सी, जब तक कॉल आती है, जिन साहब की कॉल थी जी मैं चाहूंगा आप दोबारा कॉल कीजिए प्लीज, नबील कबूल साहब से बात कीजिए। मैं एक आपने जो शुरू में स्टार्ट की बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया जो चौधरी निसार, ये तो एक लाइटर मूड में बात हमने कर ली, अच्छा किया आपने, दैट्स यू, दैट्स लाइफ, व्हाट यू आर, दैट्स व्हाट आई एम, आई एम नॉट अ क्लाउन बट आई हैव अ हार्ट, यू आर नॉट अ क्लाउन, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चौधरी निसार ने ये जो आज बातें की हैं ड्रोन हमले की और ये सब आज उससे तकरीर की, काश ये तकरीर उस वक्त करते जब वो इंटीरियर मिनिस्टर होते, उस वक्त भी ड्रोन हमले हो रहे थे, उस वक्त भी सही हो रहे थे, नहीं हो रहे थे बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता दूं चौधरी निसार के वक्त ड्रोन हमले नहीं हुए क्या? मेरी गुजारिश सुन ले, गुजारिश सुन ले, चौधरी निसार, व्हाट चौधरी निसार इज सेइंग, मैं कोई उनका केस लड़ नहीं रहा यहाँ पे चौधरी निसार का, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चौधरी निसार, मेरा जाती ख्याल ये है जो कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम लोग जीरो हो गए। चौधरी निसार क्यों ये कह रहे हैं? चौधरी निसार ने कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था जब ये पनामा केस का डिसीजन आया, उसे एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं वजारत से भी इस्तीफा दे दूंगा और मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। आपको पता है कितना प्रेशर था नबील साहब? कोई किसका प्रेशर? मैं बताता हूँ किसका प्रेशर। अच्छा चले, मैं आज से ज्यादा प्रेशर कराची में किसी पर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने प्रेशर बर्दाश्त करके, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन मैं जो निसार के अंदर की स्टोरी बता देता हूँ कितना प्रेशर था, किस चीज का बताया, मैं बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का प्रेशर था, शहबाज शरीफ तो के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले, देखिए जो निसार साहब का केस मैं दोबारा कह रहा हूँ मैं नहीं लड़ रहा, आपके दोस्त है मुझे पता है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, चले मेरी कभी है। उनसे मेरी बात नहीं हुई, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ओके, उन पे प्रेशर था शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बहुत मोल्ड किया हुआ था, बहुत प्रेशराइज किया हुआ था जो निसार साहब को, और जो निसार साहब के पास जाके उनके साथ और भी लोग थे मुस्लिम लीग नून के जो अभी भी उनके साथ है और उनकी बड़ी इज्जत करते, उन्होंने जाके उनको बहुत प्रेशराइज किया था कि चौधरी साहब एक काम ना करना कि जाके आपके ये वो चले, एक तो चले आपके पास टाइम कम है क्योंकि आपने आधा घंटा वहाँ वेस्ट कर लिया, आपके पास सिर्फ 15 मिनट रह गया। मैं से इतना आपको बताना चाह रहा हूँ, चौधरी निसार जो है ये जितनी भी फॉरन, अच्छा मैं एक बता दूं लोगों को, कॉल कर ले जी, स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहा है, कॉल कर ले, नबील कबूल साहब काबू आए हुए हैं, इनसे बात कर ले, मैं हमेशा काबू में हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आज स्पीच की उन्होंने, अगर वो कहते हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफात थे नवाज शरीफ साहब से, जिस दिन नवाज शरीफ को जाना था, देखिए जब जहाज डूबता है तो चूहे जो है ना वो जंप मारते हैं, जिस दिन नवाज शरीफ साहब को अगले दिन जाना था उनको पता था कि अगले दिन क्या डिसीशन आएगा, इवन नवाज शरीफ को नहीं पता था, मरियम नवाज शरीफ ने कहा था अपने एक स्टेटमेंट में, प्रेस स्टेटमेंट में, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 महीने के बाद डिसीशन आएगा, बट चौधरी निसार न्यू कि क्या क्या डिसीशन आने वाला है। क्या देखे ना, मुझे बताएं कि उस वक्त ये बातें करना, उसके बाद आज ये बातें करना, ये माय पॉइंट इज कि चौधरी निसार जो है वो मुस्लिम लीग नून से निकाला जा रहा है, छोड़ नहीं रहे, वो उसको निकाला जाएगा और वो अगले इलेक्शन आजाद लड़ेंगे। अच्छा चले वो एक उस पर डिस्कस कर लेते हैं, कोई चौधरी निसार नहीं निकाला जा रहा, चले आप देख ले, अच्छा चले निकाला नहीं जा रहा मुस्लिम लीग नून से चौधरी निसार साहब, लेकिन मैं एक कॉल ले लूं फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वाईस साहब मेरा नबील कबूल साहब से एक सवाल है, प्लीज करें जी, मैं तो जान छुड़ाना चाह रहा हूँ इनसे। हेलो जी, मैं तो कह रहा हूँ आप सवाल करें, मैं तो खुद जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। मेरा ये हम बताए कि 2008 से पहले भी एक हुकूमत थी ना, उसने सिंध में कितनी डेवलपमेंट की? हेलो जी जी सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। 2008 से पहले भी एक सिंध में हुकूमत थी, उसने कितनी डेवलपमेंट की, और 2008 के बाद जो है सिंध में कितनी डेवलपमेंट हुई? ओके ठीक है, इनका मतलब है 2008 से पहले मुशरफ की हुकूमत थी उस वक्त कितनी डेवलपमेंट हुई और 2008 के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई। इन्होंने स्पेसिफिकली शायद कराची का जिक्र किया या नहीं किया, वही या सिंध का किया या पता नहीं पाकिस्तान का किया,
यार वो सिंध से बात कर रहे हैं, सिंध की बात उन्होंने उन्होंने किसी शहर या जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें मुशरफ एमक्यूएम पे मेहरबान थे, एमक्यूएम को उन्होंने मैसिव फंड्स दिए हुए थे, मुस्तफ़ा कमाल को मैसिव फंड दिए हुए थे, तो उस फंड से ये अंडर पास बने, जैसे तैसे बने, अच्छे बने खराब बने उस फंड से बने। 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारी गवर्नमेंट में ज़ाहिर है फिर ये लोकल गवर्नमेंट भी कुछ अरसे के लिए सस्पेंड रहा, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद उस वक्त 2009-10 में मतलब मुझे कुछ इख्तलाफात थे पार्टी के कुछ ऐसे मिनिस्टरों के साथ जिसकी वजह से मैं घर बैठ गया था, लेकिन जितना डेवलपमेंट का काम लियारी का मैं एक आपको मिसाल दूँ, लियारी में दो बड़े यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, एक बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी, एक बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, और सारे सड़कें सारे वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स आपके सीवरेज लाइन, ये 2008 की गवर्नमेंट के दौरान जब तक दो साल तक मैं था उसमें ये 2.5 अरब पैकेज सिर्फ लियारी के लिए लेकर आए, कराची के लिए अलग। उस वक्त कराची ये जो आप अभी आप देख रहे हैं ना ये मोनो ट्रेन जो आपके सामने से इधर से गुजर रहा है जी जी। ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में सेंक्शन हुआ है, काम पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर है ना। आपसे सवाल करूं? कर ले। मेरे कॉलर ने तो वो सवाल नहीं किया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक और कॉलर भी है जरा एक मिनट। मेरा सवाल ये है, मेरे पास इसकी पूरी डिटेल्स है, तो इसलिए मैं से जरा पूरा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। मेरे पास डिटेल्स ये है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस सिंध में मौजूद हैं और वो गवर्नमेंट में मौजूद हैं, रिपीट कर रहा हूँ, जितने पार्लियामेंटेरियन सिंध में मौजूद हैं और गवर्नमेंट में मौजूद हैं, कितने बिलियन का उनको डेवलपमेंट फंड मिला जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजी है और वो लगा कहीं नहीं है, वो सिर्फ जेबों में गया, वो तो क्या है? अभी मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि आप स्लो मोशन में बात करते हो, मुझे एक बात बताएं कि मैं अगर ये जो आपके दोस्त हैं मैं बताता हूँ उनका नाम भी बताता हूँ कि किसने ये कहा कि आप वाकई स्लो मोशन तो नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। अच्छा। आप स्लो मोशन में, ये मैंने नहीं कहा कि मेल है या फीमेल है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई डेवलपमेंट का काम हुआ है, कितना फंड मिला है मुझे नहीं पता है। मैं 2013 में 16 महीने के लिए MNA था और फिर उसके बाद आपको पता है मैं इस्तीफा देकर घर बैठ गया, ठीक है, मुझे एक रुपए का फंड नहीं मिला एज एन MNA कराची, मुझे एक रुपए का फंड नहीं मिला। मुझे नहीं पता है कि इस दौरान जो आपने कहा कि किसको कितने फंड मिले हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट है पीपल्स पार्टी की, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कोई फंड नहीं दिया है, सिंध गवर्नमेंट के फंड से। इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द गवर्नमेंट, द सिंध गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट कराची जो कागजी कार्रवाई है, नबील कबूल साहब कागजी कार्रवाई कर रहे हैं कि कागजों में ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बताऊंगा सर, के लिए मैं नबील कबूल साहब मैं आपको बताऊंगा, कागजों में सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन ऐसा भी यहाँ पे नहीं है, बाहर जा चुका है, मिला है किसी कागजों में है तो नुमाइंदों को मिला होता, और अगर उन्होंने खर्च नहीं किया, देखिए नैब किस लिए बैठा हुआ है, नैब इसलिए तो नहीं बैठा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब पे जो है केस खत्म हो गई तो नैब ने अपील कर दी है केस को दोबारा खोला जाए। मुझे एक बात नहीं समझ आती, नैब इसलिए करप्शन को सारा गुस्सा सारा नजला आसिफ अली जरदारी साहब पे क्यों पड़ता है? इसलिए कि आसिफ अली जरदारी वाहिद शख्स है पूरे दुनिया में पाकिस्तान में नहीं, मेरी बात सुनो, जिसने 12 साल सजा काटी और बरी भी हो गए। मैं वो तो कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ मैं आपको कि देखिए आसिफ अली जरदारी इज नॉट द ओनली पर्सन जिस पे आप नजला या गुस्सा निकाल सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स, अभी कोई देयर आर सो मेनी अदर प्लेयर्स। आज इसहाक डार को पता क्या हुआ है? इसहाक डार को नहीं पता, उस तरफ ना जाए ना आप, नहीं आप एक बार ठहर तो जाए, इसहाक डार की तरफ चलते हैं। मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हो, मेरी क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आपने आधा घंटा उसको मीर को पता नहीं यार, आपको तो मीर साहब, यार मीर साहब मेरे उस्ताद है, यार वो उस्ताद है तो मुझे पता है फिर आपकी हरकतें क्या होगी। मैं एक सिर्फ आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बात आप सब बताएं कि इसहाक डार ने मैसिव करप्शन की है, मैसिव, आप सोच नहीं सकते हो, 400 अरब रुपए का। अच्छा, उसको नैब ने बुलाया, एक बार ठीक है ठीक है, वो नहीं आ रहे नैब के सामने, सही है, सही है। मैं नोटिस दिया, अच्छा एक बार बार पीछे से हाथ हिला रहा है कि जनाब जल्दी जल्दी वाइंड अप कर ले। एक चीज मैं जाते जाते बताता चलूं, जनाब गुलदस्ता और गेट वेल सून का कार्ड अल्ताफ हुसैन ने भेजा है, उस पर भी मैं आता हूँ, मैं एक मिनट, नहीं वो टाइम ही खत्म हो रहा है, क्या आता हूँ, अल्ताफ हुसैन ने भेजा है
और अल्ताफ हुसैन ने भेजा है जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में कुलसुम नवाज साहिबा को भेजा है जो बीमार है। और नहीं हुई नहीं मान जाए ना, नहीं हुई। मैं जो बात कह रहा हूँ ऑथेंटिकेट, मुस्तफा अजीज आबादी खुद गुलदस्ता लेकर गया है, ये बात मुस्तफा अजीज आबादी ने अल्ताफ हुसैन का मैसेज पहुंचाया है नवाज शरीफ को। मुलाकात तो नहीं हुई, गलत कह रहे हो बात हुई यार। गुलदस्ता क्या क्या रिमोट से अंदर जाएगा? बिल्कुल भेजा है जनाब गुलदस्ता अल्ताफ हुसैन ने जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में लंदन में, लंदन में भेजा है जनाब, और वहां पे कुलसुम का कार्ड भी भेजा है जनाब, और उन्होंने कहा जनाब कि आप जल्दी से एहतियाब हो जाएं। हम भी दुआ गो हैं जनाब कि कुलसुम बीबी जल्दी से एहतियाब हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये क्या पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन, और क्यों इस वक्त एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, क्यों वाई, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इस पर मैं चाहूँगा कि कल जब मैं प्रोग्राम करूं तो मैं कॉल लेना चाहूंगा। हाँ तो खत्म करूंगा ना, और कहीं यहाँ पे रहना है मैं, आप देखो आज मैं तुम रहने आए हो यहाँ पे, आखिरी में पंजाब पे एक मिनट बोले, पंजाब में बोले आप लोग सारे मीडिया जो है हमारे कैंडिडेट जो वहाँ हारे NA120 में, और बहुत रिजल्ट जो है जिसको कहते हैं कि पांचवें नंबर पे आए, मुझे आज किसी मीडिया ने ये बताया कि साहिवाल का इतना जबरदस्त जलसा बिलावल करके आया? हाँ ये बात बोले ना, बताया ना नहीं बिलावल, तो बिलावल ने वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना बड़ा जलसा साहिवाल में बिलावल ने किया है, मीडिया ने उसके ऊपर टॉक शो में किसी ने बात नहीं की, तो आप मीडिया इतनी बड़ी NA120 में अगर मिला उस पर पूरी मीडिया जो है पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। क्या आपने आधा घंटा मुझे जो है 15 मिनट देते हैं? गलत बात कर रहे हैं। खैर एनीवेज जी, आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर, क्योंकि मुझे बार बार इशारे हो रहे हैं जनाब कि आप वाइंड अप करें। फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।